पेपर दे रखा है, अनिवार्य हिंदी का है, इसी साल का है, क्लास 12th का है। पहले ये आपके गद्यांश दे रखा है ये वाला पूरा, तो पढ़ना है अच्छे से, अच्छे से पढ़कर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये रहे ये क्वेश्चन है, इन सब के आपको उत्तर देने हैं, एक एक नंबर का है। फिर है आपके सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, अपठित पद्यांश दे रखा है, पद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये तो इजी है, एमसीक्यू है दे रखे सारे के सारे। तो ये 5 एमसीक्यू है, 5 में से जो उत्तर है उसका वो आपको देना है। फिर है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको, क्वेश्चन दे रखे हैं। फोर्थ आपके दे रखा है निम्नलिखित अति लघुरात्मक प्रश्न है, इनको एक पंक्ति में आपको उत्तर देना है। ये है 8 क्वेश्चन है, 8 नंबर टोटल 8 क्वेश्चन है, ये 8 ये करने हैं। उसके बाद है 5 से 13 जो 40 शब्द में लिखना है, 9 क्वेश्चन है दो दो नंबर के, तो ये 9 क्वेश्चन है दो दो नंबर के हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। फिर है खंड स आएगा, 250 शब्द में देना है, दोनों में से कोई एक या इन दोनों में से कोई एक या इन दोनों में से कोई एक, तो आपको अथवा में और में करना है। फिर यहाँ पर भी इन दोनों में से कोई एक। फिर है स प्रसंग व्याख्या करनी है, या तो ये लिखो या फिर इसके नीचे वाला वैल्यू, दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद आता है गद्यांश की स प्रसंग व्याख्या करनी, या तो ये ऊपर वाला करो या फिर ये नीचे वाला करो, नीचे वाले में और लाइनें दे रखी है नीचे, ये रहा। फिर है आपको विज्ञप्ति देनी है या फिर पत्र लिखना है। फिर ये आपको एक किसी विषय पर आपको निबंध लिखना है, 4 में से कोई भी एक, ये है आपका पेपर।